उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहन अवैध वसूली में शामिल युवक को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी वर्दी में लगी नेम प्लेट में फर्जी पीएनओ नंबर डालकर वसूली कर रहा था। आशंका होने पर हसनगंज कोतवाल ने उसे रोककर पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आया। इसके बाद उसे कोतवाली में हवालात की हवा खिलाई गई। बाद में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि हसनगंज कोतवाली पुलिस को लंबे समय से क्षेत्र में वाहन चालकों से पुलिस द्वारा वसूली की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद हसनगंज इंस्पेक्टर ने इसको लेकर निगरानी बढ़ाई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने फोर्स के साथ क्षेत्र के गांव अकबरपुर मोहिनी खेड़ा मोड़ के पास पहुंचे, जहां उन्हें यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल की वर्दी पहने और पुलिस का टोकन लगाए हुए युवक खड़ा मिला। जब उसको रोककर जांच की गई तो उसकी वर्दी में लगी नेम प्लेट में विमलेश कुमार लिखा था और पीएनओ नंबर भी पड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोतवाली ले आई। लेकिन युवक ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हुए अपनी तैनाती रायबरेली जिले के थाना महाराजगंज में बताई। वहीं जब इंस्पेक्टर महाराजगंज से इसकी जानकारी की गई तो उन्होंने इस नाम के पुलिसकर्मी की तैनाती से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हवालात में पहुंचाया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने फर्जी पुलिसकर्मी होने की बात कबूल ली। साथ ही बताया कि वह हरदोई जिले में बेनीगंज देहात के संजीला गाँव का रहने वाला है और उसने वर्दी लखनऊ से 2500 में खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूमने वाले जनपद हरदोई निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरक्षी की वर्दी धारण किए हुए था। खुद को जनपद रायबरेली के थाना महाराजगंज में तैनात बता रहा था। जांच में ऐसे किसी मुख्य आरक्षी की तैनाती संबंधित थाने में नहीं पाई गई है एवं नेम प्लेट पर अंकित पीएनओ नंबर की जांच की गई तो भी फर्जी पाया गया है, जिसके उपरांत थाना हसनगंज पर युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।